हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऑर्डिनरी बिल क्या होता है और एक मनी बिल क्या होता है और इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि एक ऑर्डिनरी बिल क्या होती है। देखिए, बिल जो है वो दरअसल लेजिस्लेशंस होते हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और पार्लियामेंट में अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट में जो एमपीस अप्रूव करते हैं बोथ हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के बाद वो प्रेसिडेंट को भेजे जाते हैं उनके असेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए। और एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका असेंट देते हैं तो वो बिल बिकम्स एन एक्ट। तो आइए जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल क्या है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, भले ही वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। ये देखिए, ऑर्डिनरी बिल जो है वो एक लेजिस्लेशन है, आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इधर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। पार्लियामेंट होता ही है लॉस लेजिस्लेट करने के लिए, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करे या फिर प्राइवेट मेंबर, यानी कि जो अपोजिशन का हिस्सा है या फिर जो सरकार का हिस्सा नहीं है वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। तो मिनिस्टर हो या फिर प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। इट इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत, प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाई राज्यसभा। अगर लोकसभा में बिल जो है वो इनिशिएट होती है और राज्यसभा में अगर वो जाती है तो राज्यसभा चाहे तो उसे इलेक्ट करे, यानी कि उसे अप्रूव करे, या फिर वो रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर रिजेक्ट करेगी तो फिर से लोकसभा में जाएगी रिकंसिडरेशन के लिए। तो इस तरीके से और भी प्रोसेस है, डेडलॉक भी हो सकता है इन दोनों के बीच, यानी कि राज्यसभा जो है वो अपना कोई भी परमिशन ना दे, यानी कि 6 महीने के लिए वो अपने बिल को अगर रुका सकती है तो 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग का जो है वो एक प्रावधान इस्तेमाल करते हैं जिसके तहत उस डेडलॉक को जो है खत्म करने की कोशिश की जाती है। इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। 6 महीने तक जो है ऑर्डिनरी बिल्स को राज्यसभा अपने पकड़ में रख सकती है। इट्स डिफीट इन लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर नहीं, अगर कोई सरकारी मिनिस्टर किसी भी ऑर्डिनरी बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर वो बिल फेल हो जाती है, डिफीट होती है लोकसभा में, तो चाहिए कि गवर्नमेंट रिजाइन करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी जो है वो रिजाइन करती है। इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं, वो अप्रूव भी कर सकते हैं या फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज भी सकते हैं ऑर्डिनरी बिल्स को। अ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। अभी जैसा कि हमने कहा कि राज्यसभा अगर 6 महीने के लिए अपना कोई भी रिजल्ट नहीं देता, रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा के पास बिल वापस नहीं भेजता, तो 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जॉइंट सेटिंग के लिए समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं डेडलॉक को जो है वो खुला करने के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा इफ इट हैज ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा। तो स्पीकर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि राज्यसभा में जा रहा है या फिर किस तरीके से इसे डील करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर लोकसभा में ऑलरेडी वो ओरिजिनेट होता है तो डायरेक्टली राज्यसभा में जा सकता है, स्पीकर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मनी बिल ऑन द अदर हैंड, ऑर्डिनरी बिल्स के अलावा जो है मनी बिल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, जो कि मनी से रिलेटेड है, एक्सचेकर से रिलेटेड है, पैसा इन्वॉल्व है, तो पॉपुलर बिल बहुत ही जरूरत है। पावर में जो है गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, जो लोकसभा है यानी कि पॉपुलर बिल जो पब्लिक का है, वहीं पर मनी बिल्स जो है ओरिजिनेट किए जा सकते हैं। तो राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर, अनलाइक ऑर्डिनरी बिल जो प्राइवेट मेंबर भी इनिशिएट कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ मिनिस्टर ही ला सकते हैं मनी बिल। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रायर परमिशन, प्रायर रिकमेंडेशन बहुत ही जरूरत है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स में जरूरत नहीं है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। राज्यसभा को दरअसल कोई भी पावर्स दिए ही नहीं गए हैं मनी बिल से रिलेटेड। देखिए, टैक्स लगवाना हो, कोई सेस, एडिशनल सेस लगवाना हो, पैसे से रिलेटेड जो कोई भी इशू डील कर रहा है उसे मनी बिल कहा जाएगा। तो बस इतना अंतर आप याद रख लीजिएगा। तो राज्यसभा को कोई भी पावर नहीं दिया गया है मनी बिल से रिलेटेड, वो ना ही अमेंड करके रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं और ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, और डेडलॉक की तो यहां पर बात ही नहीं होती। द राज्यसभा शुड नॉट रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाई लोकसभा। अगर रिकमेंडेशन के साथ वापस भी भेजे तो लोकसभा चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे, अगर नहीं तब भी वो जो है फॉरवर्ड जा सकती है। लोकसभा इज वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। इट कैन डिटेन बाई राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली। ऑर्डिनरी बिल्स में हमने देखा कि 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद डेडलॉक की भी वहाँ पर एक प्रावधान है जॉइंट सिटिंग का, लेकिन यहाँ पर कोई जॉइंट सिटिंग नहीं, कोई डेडलॉक नहीं। 14 दिन तक जो है राज्यसभा को डिस्कस करने का टाइम दिया गया है मनी बिल का, और बाद इसके ऑटोमेटिकली लोकसभा इसे पास कर सकती है। इट रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा में बिल जाने के पहले स्पीकर का सर्टिफिकेशन बहुत ही जरूरी है कि ये मनी बिल है, तो चाहिए कि स्पीकर ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा के स्पीकर सर्टिफाई करें कि ये मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है। और ऑर्डिनरी बिल में जरूरी नहीं कि सर्टिफाई करें, लेकिन मनी बिल में स्पेसिफिकली सर्टिफाई करना चाहिए कि जो बिल आ रहा है राज्यसभा में ये मनी बिल है।
नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन दिस रिगार्ड, जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, बस 14 दिन के लिए राज्यसभा डिटेन कर सकती है इस मनी बिल को। इट्स डिफीटेड लोकसभा लीड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो या फिर मनी बिल हो, मिनिस्टर से अगर इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर वो डिफीट हो जाता है लोकसभा में तो पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न्ड फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के साथ ही जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, वो रिजेक्ट को तो कर सकते हैं यानी कि सस्पेंसिव वीटो उन्हें दिया गया है, या फिर वो अप्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।